Good evening, ladies and gentlemen. Sri Vidyapeeth. Mahamahim. Sri Vidyapeeth. Ekulapati. Dr. Mahan Vishnu. Vidyapeeth. Will Papa. Sri Krishna. Dr. Manoranjan Prasad Sinha. Prasad Sinha Mahan Vishnu. Vidyapeeth Kuchhaja Sri Naveshi. Satishila Vidyapeeth. Pradhanachar Sri Pradhyut Bhoji. Jinke Karan. Or Jinke Sadhana Ke Karan. Aaj Main Aapki Naraz Hu. Bhojan Aapki Vishnu. Aur Is Sabha Mein Upasthit. Kavi Deviyon. Sajjanon. Chhatra Chhatraon. मैं पहली बार आ रहा हूँ विद्यापीठ में। और इसलिए मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं था इसके बारे में, लेकिन आकर जिस आदमी का विकास आपके व्यवस्थापक महोदय और इनके साथ राजनीति के सभी सदस्यों मुझे बहुमूल ज्ञान है। विद्यापीठ जिन परिस्थितियों में स्थापित हुई, स्वतंत्रता संग्राम में इस प्रकार से स्वतंत्रता सेनानियों की शरण स्थली बनी, ऐसे देश की स्वतंत्रता के लिए आगे हुआ, इसका श्रेय आप सब हैं। उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सबसे पहले मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं आप सबके प्रति कि आपने मेरे सम्मान में आज के इस कार्यक्रम का आयोजन किया। व्यवस्थापक महोदय कह रहे थे इस विश्वविद्यालय में इस विद्यापीठ में जो बालिकाएं पढ़ रही है विशेषकर पूर्वोत्तर भारत की, उनका उच्चारण बहुत शुद्ध है और जो गीत यहां लोग प्रस्तुत किए गए, मैं उन बालिकाओं को बधाई देना चाहता हूं कि वास्तव में शिक्षा की गुणवत्ता का प्रभाव है। एक एक शब्द यहां स्पष्ट हो गए हैं तो मन में घर बना लेते हैं। मन कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, मैं कभी कह देता हूं मन न रेत है न पानी, मन न रेत है न पानी, नहीं मिटती इस पर लिखी हुई कहानी। इसकी छाप मेरे मन मस्तिष्क पर बहुत लंबे समय तक रहेगी। इसके लिए मैं विद्यापीठ से संबंधित सभी लोगों को स्वाभाविक है कि हिंदी विद्यापीठ है तो हिंदी की बात होगी। और हम नहीं करें तो और कौन करेगा? हम का मतलब विद्यापीठ है। हिंदी धीरे धीरे
मुझे एक घटना अभी बैठे बैठे याद आ गई। 1977 प्रदेश यूनिवर्सिटी के पीजी विभाग में चिकित्सा के क्षेत्र में औषधियों का नाम अंग्रेजी में लिखा जाता था। चिकित्सक भी अपने बच्चे में अंग्रेजी में दवा का नाम लिखते। एक उप मंत्री महोदय उत्तर प्रदेश के, वो चिकित्सा विभाग के उप मंत्री थे। वो इलाहाबाद है, मैं सबके हाउस में उनसे मिलने चला गया। देखा वो जमीन पर जो काली पड़ी थी उस पर सो रहे थे। मैं कहा पलंग छोड़ करके जमीन पर आप सो रहे हैं? क्या रहा? बोले मुझे रात भर नींद रही है। मैंने कहा समझी क्या बात होगी? अरे बोले कल एक डॉक्टर ने मुझसे स्ट्रेप्टोमाइसिन का उच्चारण करने को कहा और मैं नहीं कर पाया। मैं उसके विभाग का मंत्री और मैं स्ट्रेप्टोमाइसिन बोल नहीं पाया। उसका खेद है मुझे, पश्चात मैं रात भर सोया नहीं। तो ये जो विदेशी भाषाओं की जटिलता है, ये हमारे यहाँ कभी कभी बहुत बड़े बड़े लोगों को परेशान करते। लेकिन अब चिकित्सक हिंदी में पर्चा भी लिखने लगे, दवाइयों के पैकेट पर हिंदी में नाम भी लिखा जाने लगा है। ये हिंदी की प्रगति। लेकिन हिंदी की प्रगति को किससे जोड़े, ये हमारी आवश्यकता है। इसलिए जब तक हम हिंदी को अपने समाज की आवश्यकता नहीं बनाएंगे, अपने देश की आवश्यकता नहीं बनाएंगे, तब तक हिंदी में कभी न कभी कहीं न कहीं थोड़े को रोड़े अटकाए जाएंगे, जिसको हम अंग्रेजी में कह रहे थे स्पीड ब्रेकर। उन रोड़ों से देश तक मुक्ति पाई जाए। तो जैसे कि डॉक्टर ने बताया कि देश में बहुत बात है, सबको साफ लेकर में चलना है। हम किसी भाषा के विरोधी नहीं, लेकिन प्रत्येक अंचल की जो भाषाएं और बोलियां हैं वो अपने अपने अंचल में सुदूर गांव तक फैली हुई। तो हम विद्यालयों में हिंदी ले जाए, विश्वविद्यालयों में हिंदी ले जाए, हम दूसरे अंचलों के गांव तक हिंदी को कैसे पहुंचाएं? और जब तक हम इसमें सफल नहीं होते तो फिर राष्ट्र कठिनाइयां तो आएंगी। इसलिए हमें यह करना पड़ेगा कि हम दूसरी भाषा के शब्दों को लें, हिंदी के साथ उन शब्दों को जोड़ें और उन दोनों को मिला करके हम उन अंचलों में जाएं जहां भी हिंदी का प्रयोग कम है। शायद हम अपने इंडस्ट्री में सफल हो जाए। एक दूसरा सुझाव आया था, हमारे व्यवस्था पर संबोधन किया, अनुवाद। किसी भी भाषा के विस्तार के लिए अनुवाद की बहुत आवश्यकता है। इससे न केवल पाठकों में वृद्धि होती है, लेकिन दूसरे देश के साहित्य में क्या है, वहां का सामाजिक चयन क्या है, वहां की सामाजिक स्थिति क्या है, वहां का परिवेश क्या है, वहां की सामाजिक संस्कृति क्या है, इसका भी ज्ञान होता है। और हमारे पुस्तकों का अगर अनुवाद दूसरे देशों की भाषाओं में होता है तो उन्हें भी हमारी भारतीय संस्कृति का, हमारी परंपराओं का, हमारे परिवेश का ज्ञान। इसलिए अनुवाद भाषा की समृद्धि के लिए एक बहुत आवश्यक विचार मेरी दृष्टि में है। हमें इस पर भी बल देने की आवश्यकता है। दूसरी चीज, व्यवस्थापक महोदय ने कहा हमें हिंदी को सेवा के रूप में